श्रवण कौशल से तात्पर्य है ऑप्शन सी, सुनने की निपुणता। विश्लेषणात्मक प्रश्न से तात्पर्य है ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों सही। भाषा के साहित्यिक एवं व्यावहारिक रूपभेद है ऑप्शन डी, प्रोक्ति। निम्नलिखित समस्याओं में भाषा शिक्षण की चुनौतियां है ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों। भाषण की शिक्षा का साधन है ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों। वर्तनी संबंधी अशुद्धि का कारण नहीं है ऑप्शन सी, शब्द भंडार की कमी। निम्नलिखित में से कौन सी वाचन शिक्षण की विधि नहीं है ऑप्शन ए, व्याख्या विधि। इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए प्रयुक्त हिंदी शब्द है ऑप्शन सी, संयोजित अध्ययन। हिंदी में अनेक शब्द जो सीधे संस्कृत से आए हैं उन्हें डैश कहते हैं ऑप्शन ए, तत्सम। निम्न में से कौन सी प्रोक्ति साहित्यिक प्रोक्ति के अंतर्गत नहीं आती ऑप्शन बी, वार्तालाप। शिक्षण कार्य क्रमबद्ध तथा सुव्यवस्थित करके दैनिक नियोजन करने में शिक्षक का कार्य क्या है ऑप्शन डी, पाठ योजना। सर्वभाषा व्याकरण के वक्ता कौन है ऑप्शन सी, नोम चोम्स्की। बहुमुखी बुद्धि सिद्धांत किसकी देन है ऑप्शन ए, हावर्ड गार्डनर। किसी यात्रा का आकर्षक रूप से वर्णन करना किस प्रकार की प्रोक्ति है ऑप्शन बी, यात्रा विवरण। वाक्य में शब्दों को परिवर्तित करके अन्य शब्द जोड़कर वाक्य का अभ्यास कराना कौन सी पद्धति है ऑप्शन ए, शब्द परिवर्तन पद्धति। इनमें भाषा के दो रूप क्या है ऑप्शन डी, मौखिक और लिखित। पुनस्मरण करना और पहचानना किस उद्देश्य का स्पष्टीकरण है ऑप्शन ए, ज्ञान। हिंदी श्रवण कौशल बढ़ाने के लिए सहायक उचित कार्य ऑप्शन डी, श्रव्य शैक्षिक सामग्री का अभ्यास। कोई एक छात्र शिक्षक की भूमिका में सहछात्रों को सिखाता है इसे क्या कहते हैं ऑप्शन बी, सहकर्मी शिक्षण। नियम प्रस्तुत करके उदाहरण तक पहुंचाना किस विधि की सूचना है ऑप्शन बी, निगमन विधि। भाषाई कौशलों से संबंधित विकल्प चुनिए ऑप्शन सी, हिंदी सुनना बोलना पढ़ना एवं लिखना। नोम चोम्स्की का श्रेय किससे संबंधित है ऑप्शन डी, सर्वभाषा व्याकरण। दृश्य श्रव्य काव्य के लिए उदाहरण है ऑप्शन सी, नाटक। निकटतम विकास क्षेत्र का वक्ता कौन है ऑप्शन बी, विगोड्स्की। अध्यापक द्वारा आदर्शवाचन के बाद कौन सा सोपान उचित है ऑप्शन ए, अनुकरण वाचन। प्रक्रिया को प्रमुखता देकर प्रदर्शन और सुधार का मूल्यांकन क्या है ऑप्शन बी, आकलन। कहानी के प्रतिपाद्य को श्रोता या पाठक तक लिखित या मौखिक रूप से प्रस्तुत करने की रीति क्या है ऑप्शन सी, कथानक की प्रस्तुति। कविता का मुख्य भाव आशय और उद्देश्य पर आलोचना करना किस शैक्षिक उद्देश्य के अंतर्गत आता है ऑप्शन बी, विश्लेषण। शिक्षक द्वारा उच्चारित शब्द छात्र सुनकर लिखने को क्या कहते हैं ऑप्शन डी,
श्रुतिलेख। अर्थग्रहण की जांच के लिए कौन सा कार्य उचित है? ऑप्शन सी, प्रश्न पूछना। शिक्षण के क्षेत्र में सबसे पुराना उपकरण है? ऑप्शन सी, पाठ्यपुस्तक। राजभाषा का सही तात्पर्य है? ऑप्शन डी, सरकारी कार्यालय में प्रयुक्त भाषा। शिक्षा में प्रथम स्थान डैश को है? ऑप्शन बी, छात्र। कक्षा में अध्यापक की यह भूमिका है? ऑप्शन सी, जीवन संबंधी कल्पनाओं को विकसित करना। सही शब्द कौन सा है? ऑप्शन सी, सुशोभित। निम्न में से कौन सा संबोधन निमंत्रण पत्र के लिए सही है? ऑप्शन ए, प्रिय महोदय। हिंदी में मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न होना उत्तम है? ऑप्शन डी, तीनों का समन्वित रूप। वाइगोड्स्की का सिद्धांत है? ऑप्शन सी, सामाजिक ज्ञान निर्मितिवाद। प्रक्रियाबद्ध कक्षा में छात्रों का शंका समाधान आसानी से कर सकता है? ऑप्शन बी, संगणक। भाषापरक बुद्धि, स्थानपरक बुद्धि, संगीतपरक बुद्धि, प्रकृतिपरक बुद्धि आदि किस सिद्धांत से जुड़ी है? ऑप्शन डी, बहुमुखी बुद्धि सिद्धांत। मौन वाचन का गुण चुनिए। ऑप्शन सी, तीव्र गति से वाचन एवं एकाग्रता बढ़ाना। शिक्षण को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनिवार्य क्या है? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अन्य भाषा के तौर पर हिंदी अधिगम में छात्रों की प्रमुख समस्या क्या है? ऑप्शन डी, वर्ण मात्रा उच्चारण संबंधी। सामान्य छात्र और विशेष मदद चाहने वाले छात्रों को एक साथ स्कूली शिक्षा देने को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी, समावेशी शिक्षा। कक्षाई आकलन का अंग चुनिए। ऑप्शन ए, छात्र स्वयं, सहकर्मी शिक्षक। आदर्श लिखावट का अनुकरण करके लिखने को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी, अनुलेख। निम्नलिखित में से शैक्षणिक साधन कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए, समय सारिणी। कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी, आस्वादन करना। सृजनात्मकता बढ़ाने में इनमें से क्या सहायक है? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। शिक्षण एक त्रिभुजी प्रक्रिया है तो उसके अंग कौन कौन है? ऑप्शन सी, छात्र, शिक्षक, पाठ्यक्रम। सृजनात्मक क्षमता बढ़ाने में सहायक उचित कार्य चुनिए। ऑप्शन ए, प्रोक्तिपरक अध्यापन करना। छात्र ज्ञान का निर्माण करते हैं और शिक्षक सहाय हस्त देते हैं, ये किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन सी, ज्ञान निर्मितिवाद। भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन डी, भाषा पक्ष और विचार पक्ष में वृद्धि करना। गार्टनर के किस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के 8 भेद बताए गए थे? ऑप्शन ए, बहुमुखी बुद्धि सिद्धांत। हिंदी वर्तनी संबंधी त्रुटियों के निवारण में क्या अधिक सहायक है? ऑप्शन बी, वर्तनी परक संशोधन। वाक्य गठन को अधिक महत्व देना किस विधि है? ऑप्शन बी, संरचनात्मक विधि। अन्य भाषा के उच्चारण की त्रुटियों का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन सी, मातृभाषा का प्रभाव। पाठ्य पुस्तक का सूक्ष्म वाचन किस प्रकार का है? ऑप्शन डी, गहन वाचन।
व्यावहारिक प्रोक्ति के लिए उदाहरण चुनिए। ऑप्शन बी वार्तालाप। शैक्षणिक साधन के लिए उदाहरण चुनिए। ऑप्शन ए फ्लैश कार्ड।